हेलो दोस्तों, सामने के पास आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खरीद से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज के दिन हमारे पास बहुत ही तगड़ा अकाउंट है। इससे पहले भी मेरे चैनल के ऊपर 4-5 आईडीज का मैंने रिव्यू किया है, लेकिन ये उन सबसे तगड़ी वाली आईडी है। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर बहुत से तगड़े वाले अकाउंट्स हैं जिनका रिव्यू काफ़ी चैनल्स के ऊपर हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो ओपन की है। आप लोगों को मज़ा आ जाएगा इस आईडी का रिव्यू देखकर। और हाँ, आप लोगों ने कलेक्शन देखने के बाद इसकी प्राइस जज करनी है अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। एक्सपीरियंस यानी कि आप जितनी देर से गेम खेल रहे हो, आपने ये सारे इवेंट्स जो देखे होंगे वो सारे इसमें निकले हुए हैं, तो आप लोगों ने वो सारे बंडल्स, गन स्किन्स सबको देखे इस आईडी को जज करना है। और इसकी प्राइस नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे बतानी है कि जैक भाई, ये अकाउंट इतने का हो सकता है या इतने का हो सकता है, जिसकी प्राइस एग्जैक्ट सही हुई उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। और हाँ, सेकंड जो चीज़ ये है कि आप हमेशा, मैं आप लोगों को टास्क देता हूँ कि मैं किसी भी आईडी का रिव्यू करूँ तो आप लोग बताया करो कि इस आईडी में ये वाला बंडल नहीं है। तो आज फिर से भाई अपना चश्मा पहन लो और भाई देखना स्टार्ट कर दो, और आप लोगों ने बताना है कि इस आईडी में ये वाला बंडल नहीं था। सबसे पहली कमी जो मैं आप लोगों को खुद से बता देता हूँ वो है इसका लेवल। 81 लेवल है, कम है, ज़्यादा लेवल नहीं है। इससे भी हाई लेवल के अकाउंट्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और लाइक्स भी कम है। कोई बात नहीं, लेवल लाइक का कोई मसला नहीं होता। अगर 3 से 4 सीज़न लगातार पुश किया जाए तो अच्छा खासा लेवल भी प्लस हो सकता है, और अगर इस आईडी के ऊपर भी लगातार 3 सीज़न प्लस किया जाए तो ये 90 प्लस लेवल कर जाएगी अगर कंटिन्यू प्लस हो इसके ऊपर 24 और चले। चलो अभी देखते हैं इसके ऊपर मेंबरशिप कितने दिनों के लिए लगी हुई है, आपके आईडी से कितने दिनों के लिए लगी हो सकती है। ओपन करके दिखाई देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर 9,325 दिनों के लिए इसके ऊपर मेंबरशिप लगी हुई है, और यहाँ पर डायमंड्स आप लोग देख सकते हो 4,66,200 डायमंड्स, मतलब 4,60,6,200 डायमंड्स अभी इसके ऊपर आप लोग क्लेम कर सकते हो। यानी कि आने वाली आपकी दो पुश्तें सुकून से इसके ऊपर से डायमंड, दो पुश्तें क्या पता नहीं, मतलब मैं बता ही नहीं सकता, बहुत 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 लंबी देन टाइम के लिए, मतलब जिसके पास भी आईडी जाएगी तो वो डायमंड क्लेम कर सकता है। लेकिन इससे पहले एक और आईडी मैंने देखी थी जिसका पता नहीं सुपर कार्ड बना हुआ था कि पता नहीं क्या सीन था। खैर, अब इसके वॉलेट की बात करते हैं। वॉलेट की बात करने से पहले आप लोग नीचे कमेंट करो कि आपके अकाउंट का वॉलेट कितना है और आप लोगों का ड्रीम या एम कितना है बनाने का। चलो इसकी पहले ईवो गन्स देख लेते हैं, फिर वॉलेट पर आते हैं। तो सबसे पहले जो अभी MP40 की स्किन आई है, ये लेवल 8 पर है। वैसे बेसिकली गन स्किन लेवल 7 पर जाकर मैक्स होती हैं, लेकिन ये लेवल 8 पर है। मैं खुद हैरान हूँ इसकी एनिमेशन, और यहाँ पर ये चेक कर सकते हो कितनी अमेजिंग लग रही है। और इन्होंने कुछ नया ऐड किया वहाँ पर, ऊपर आप लोग देख सकते हो MP40 के नीचे ये जो नंबर्स आ रहे हैं 274, तो ये इन्होंने कुछ अलग ऐड किया और ये लेवल 8 पर पहुंची हुई है। ये दो चीज़ें इन्होंने सिर्फ न्यू दो ईवो गन्स के ऊपर ऐड किए हुए हैं, जो एक MP40 के ऊपर है और एक M10 के ऊपर है, और इसकी एनिमेशन बहुत तगड़ी है। पर M10 की बात करें तो M10 भी मैक्स है, ये जो न्यू वाली है। अब MP40 में मुझे एक चीज़ यहाँ पर जो न्यू मिली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अक्सर यहाँ पे आप लोग गन देखी थी M10 लेवल 7 पे थी, और ये लेवल 8 पर। लेवल 8 पर क्या मिलता है इसका? लेवल 8 के ऊपर ये एनिमेशन है, ये किल एनिमेशन है। जब आप किल करोगे, किसी की पेटी बनेगी तो वो ऐसी एनिमेशन आएगी। ये 7 पे इसका इमोट है और यहाँ पर 8 पर ये एनिमेशन है, किल के बाद ऐसी एनिमेशन आप लोगों को ये शो करवाएगी। वैसे इसको तो मैक्स करना ही पड़ेगा अपने अकाउंट में क्योंकि इसमें एक न्यू चीज़ आई हुई है। खैर, बाकी ईवो गन्स की बात करते हैं तो इसके अंदर M10 भी मैक्स है, थॉम्सन भी मैक्स है, और यहाँ पर AN-94 भी मैक्स है, फिस्ट भी मैक्स है इसके अंदर, और यहाँ पर M4A1 की बात करते हैं तो वो भी मैक्स है, M1887 की बात करें तो वो भी मैक्स है, MP5 की बात करें तो वो भी मैक्स है, फामास की बात करें तो वो भी मैक्स है, UMP मैक्स है, XM8 मैक्स है, M10 पुरानी वाली भी मैक्स है, MP40 पुरानी वाली भी मैक्स है, और स्कार भी मैक्स है, और भाईजान AK-47 भी मैक्स है, और UMP बहुत पुरानी वाली ये भी मैक्स है, और एक यहाँ पर एक और UMP है वो भी मैक्स है। ये दो UMPयाँ बहुत कम अकाउंट्स के अंदर मैक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी क्योंकि इनके कुछ चांद एक टोकन मिले थे और मतलब लोगों ने दिमाग लगा के वो मैक्स कर ली। अब यहाँ पर नियोन क्रिमिनल तो हमने पहना हुआ है, इतना कुछ खास है नहीं, इतने तगड़े अकाउंट के ऊपर इतना छोटा सा बंडल वैसे सूट तो नहीं करता। अभी वॉलेट में जाके खुद देख लेते हैं कि इसके ऊपर कौन सा बंडल सूट करता है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1200 का वॉल्ट है इस अकाउंट का। अभी इसमें 90 बंडल हैं जो अनबॉक्स करने वाले हैं, जो अभी तक बंदे ने अनबॉक्स नहीं किए। 1200 तो अवेलेबल हैं, लेकिन 90 अगर अनलॉक किए जाएं तो ये बन जाएगा 1290, और इसमें 45 फुल बंडल्स हैं। फुल बंडल्स थोड़े से कम हैं वैसे, और शर्ट्स की बात की जाए 1200 हैं, कैप्स की बात की जाए तो वो 700 हैं,
फेस पर पहनने वाले मास्क की बात की जाए तो वो 500 हैं, और यहाँ पे आँखें जिनको लेंस कहते हैं वो 142 हैं, और यहाँ पर पैंट्स हमारे पास 937 हैं, और शूज़ 863। यहाँ पर अमेजिंग चीज़ ये है कि इसमें सीजन 2 की हेरोइक की शर्ट यहाँ पर मौजूद है, रैग्नारोक भी मौजूद है। वैसे देखा जाए तो रैग्नारोक मंडल भी आजकल बहुत रेयर ट्रेंड में जा रहा है, और सीज़न 2 की हीरोइक शर्ट आप लोगों को टॉप पर नज़र आ रही होगी। वैसे मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं है, आप लोगों में से किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। सीज़न 2 की ये शर्ट है, और यहाँ पर इसके ऊपर एक अच्छी सी कैप लगा दो, तो सीज़न 7 की कोई भी कैप इसके ऊपर पहनो यार, सूट करती है। मतलब जो पुरानी रेड चीज़ें हैं उनके ऊपर सूट करती है। रेड को स्क्रॉल करने से पहले इसमें एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो कि बहुत कम अकाउंट्स में होती हैं। अक्सर आप लोगों ने कलेक्शन की वीडियोज़ देखी होंगी, लेकिन आप लोग जो चीज़ें इग्नोर कर देते हो हम उसको भी कवर करेंगे, और वो आते हैं लैब के अंदर जो बंडल्स होते हैं वो कोई भी नहीं देखता, और जो हाइपर बुक्स होती हैं जब कलेक्शन का वर्सेस होता है तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर लेजेंडरी आउटफिट है, और ये बुया पास की बंडल हैं, इनको भी हमने काउंट करने हैं। सो यहाँ पर हमारे ये लेजेंडरी बंडल हैं जो कि बहुत बहुत रेयर टाइम पे आते हैं, और बहुत रेयर हैं, इनको मैक्स करना पड़ता है। अब इसके भी ये देखो 5 लेवल हैं, वो सारे के सारे अनलॉक हुए हुए हैं, और इसकी 4 एनिमेशन हैं, और उसके बाद इसके 4 कुछ इक्विपमेंट्स हैं वो भी अनलॉक हुए हुए हैं। ऑलमोस्ट इनके ऊपर भी एक गन मैक्स करो ना उतना खर्चा आ जाता है एक बंडल को मैक्स करते करते भी, क्योंकि मैंने अपना वाला एक किया था ना। अब आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, जल्दी से वॉलेट को स्क्रॉल करते हैं। काफ़ी बंदे काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि भाई हम इसमें गलतियाँ पकड़ेंगे, कौन सा बंडल नहीं है। अब यहाँ पर मतलब इसको अगर एक एक बंडल मैं पहन कर दिखाता तो मेरी यहाँ पर पूरी शाम गुजर जाती जब मैं वीडियो बना रहा था, तो मैंने जल्दी 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 कवर करना था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आप लोगों को भी दिखाता हूँ और ख़ुद भी देखता हूँ कि उसमें क्या है क्या नहीं। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, जो जो बंडल मैंने देखे हैं मुझे तो वो सारे इसके अंदर नज़र आए हैं, लेकिन अब आप लोगों के देखते हैं माइंड कैसा है, आप लोगों को कौन सा नज़र आता है कौन सा नज़र नहीं आता। आप लोगों को एक चैलेंज देता हूँ, आप लोगों को बंडल गैस करो जो इसमें नहीं है, आप लोगों को मेरी तरफ से एक वीकली मेम्बरशिप फ्री मिलेगी, जो एग्जैक्ट वो वाला बंडल कमेंट करेगा और मैं वो चेक करूंगा इस अकाउंट में, अगर हुआ तो उसको नहीं मिलेगी, जिसका मतलब जिसने जो कमेंट किया हुआ और वो बंडल ना हुआ तो उसको हम देंगे एक वीकली मेंबरशिप। तो भाई अब तो यहाँ पे आप लोगों को पैसे भी मिल रहे हैं इस चीज़ के, तो भाई आप तो आप लोगों ने सही कवर करना है। BTS के बंडल्स की बात करूँ तो वो यहाँ पर सारे मौजूद हैं, इसके 7 बंडल हैं और 7 के 7 बंडल ही यहाँ पर मौजूद पड़े हुए हैं। वैसे एक पर्सनल क्वेश्चन करूँ आप लोगों से, आप लोगों को BTS पसंद है? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ना उनके मुँह पे मर्दों वाली बात है, क्योंकि दाढ़ी है नहीं ना मूछ है, तो वो मुझे लड़कियाँ लगती हैं। खैर यहाँ पर बाकी बंडल्स को आप लोग देख लो, मैं तो स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, ना देख रहा हूँ ना नाम पढ़ रहा हूँ, बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ और बताते जाओ कि कौन सा बंडल है कौन सा नहीं है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें 90 बंडल अभी अनबॉक्स करने वाले पड़े हुए हैं, जब मैं उनको अनबॉक्स करूंगा तो वो जो आप लोगों ने कमेंट किया होगा तो वो आप लोगों का कमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान से कमेंट करना कि कौन सा बंडल कमेंट करना है या नहीं, अपनी किस्मत भी आजमा कर देख लेना, और बंडल के साथ साथ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ना और मैंने हाईएस्ट कलेक्शंस के अकाउंट देखे हैं उनमें जो हाईएस्ट वॉल्ट था ना वो 1400 का था, यानी कि इसमें 90 बंडल ऐड भी कर दिए जाए ना तो फिर भी 110 बंडल ज़्यादा थे एक अकाउंट में जो मैंने देखा था, पाकिस्तान के अंदर ही देखा था। अब जिसको पता है, काफ़ी कम बंदों को पता है, तो मैं बता दूँगा वो DP हैरी का अकाउंट था, डीमन्स प्राइड के लीडर का, तो उसका 1400 का वॉल्ट था और उसमें 110 बंडल्स एक्स्ट्रा थे, और मुझे खुद ही नहीं पता कि वो 110 के 10 कौन से थे। वैसे इससे पहले मैंने बंटी के अकाउंट की कलेक्शन का रिव्यू दिया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई उस बंदे ने इतना पैसा लगाया इतना पैसा नहीं लगाया, तो उसके अकाउंट का थोड़ा सा वॉलेट मेरे ख्याल से इससे कम था, और उसमें न्यू वाली MP40 मैक्स नहीं थी, मेरे ख्याल से वो तब आई नहीं थी। इसमें तो जैसे आई है भाई, वीडियो बनाने से पहले बंदे ने कहा ये मैक्स कर लूँ, क्योंकि भाई जब एक अकाउंट को दिखाना है वो भी इतने बड़े चैनल के ऊपर तो उसका भाई कलेक्शन दिखाने के काबिल होना चाहिए। वैसे अगर बात की जाए इसके वॉलेट की तो पर्सनली बताऊँ मुझे बहुत अमेजिंग लगा, क्योंकि इसमें हर वो बंडल है हर वो चीज़ है जो मतलब है क्या एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा है जो बंदा पहनता है। मतलब ये होते हैं शौक होते हैं, बंदों ने शौक से अकाउंट्स बनाए होते हैं, शौक से अकाउंट, जैसे शौक रखता ना शौक का कोई मूल नहीं होता, पंजाबी में मिसाल है, यानी कि शौक की कोई कीमत नहीं होती, शौक पे जितना पैसा लगा वो कम है, तो बंदों ने शौक से बनाए होते हैं। और इस अकाउंट का ऑनर पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान के अंदर रह के इतना अकाउंट मेंटेन रखना उसको बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका अकाउंट है जिनका 1200 से प्लस वॉल्ट है, तो भाई मैं भी इस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ और आप लोगों को भी करना चाहिए जो इतना बड़ा अकाउंट मैनेज कर रहा है, क्योंकि इन अकाउंट्स के अंदर सीन ये होता है कि आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते, कोई भी इवेंट आया आपको निकालना पड़ेगा वरना आपका अकाउंट ख़राब हो जाएगा,
कोई भी गन आती है तो आपको उसको मैक्स करना पड़ेगा, दस्ती उसी वक्त मैक्स करना पड़ेगा। और वॉल्ट में कोई भी इवेंट आता है तो आपके पास पैसे हैं पैसे नहीं हैं तो आपको वो निकालना ही निकालना है। सो इस वजह से ये शौक बहुत एक्सपेंसिव है। कुछ लोग समझते हैं कि भाई फ्री फायर के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, छोटी सी गेम है। तो उनको बताओ कि भाई जब यहाँ पर इतने बड़े बड़े अकाउंट्स के ऊपर इतने इतने पैसे लगे होते हैं ना, मतलब 1200 का वॉल्ट बनाते बनाते भी ना तकरीबन ये एक बंदे, मतलब एक बंदे ने नहीं बनाया, ये तकरीबन 4-5 बंदों की मेहनत है। और 4-5 बंदों की भी मेहनत और उसके अलावा उनकी इन्वेस्टमेंट अलग है इसके ऊपर, बहुत उन्होंने पैसा लगाया है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि इस अकाउंट के ऊपर 4-5 बंदों की मेहनत है, जो भी बड़ा अकाउंट होता है, जितने भी बड़े अकाउंट आते हैं सबके अंदर 4-5 बंदों की ही मेहनत होती है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो आके बोलेंगे कि भाई नहीं मैंने अपना अकाउंट खुद बनाया है। भाई मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, आपने बनाया है, लेकिन आपने भी एक पॉइंट पर बनाया लिया है। ज़ीरो से स्टार्ट करके 1000 से ऊपर वॉल्ट बनाना ना बहुत 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 बड़ी बात होती है। मतलब पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कोई बंदा होगा ही नहीं, होगा भी तो एक दो होगा, मैं कह दूँ नहीं है, होंगे बहुत कम होंगे, लेकिन इतना बड़ा अकाउंट बनाना उसको मैनेज करना भाई बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास जब अपना वीबैज अकाउंट था तो मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था। रीना से मुझे डायमंड्स मिल रहे थे तो मैं उसको मैनेज कर पा रहा था, जैसे मुझे डायमंड्स मिलना बंद हुए तो अकाउंट ख़राब हो जाए, इससे पहले ही मैंने उस अकाउंट को आगे सेल कर दिया ताकि वो जिसके पास जाए वो उसको मेंटेन रख पाए। जो भी चीज़ें आई पहले तो मुझे ग्रीना की तरफ से मिलती थी तो इसलिए वो पहले मैनेज था, लेकिन जब मैनेज होना बंद हुआ तो मैंने वो आगे सेल कर दिया। और अभी मुझसे बंदे पूछते हैं कि आप किस अकाउंट से खेल रहे हो, तो भाई आप लोग रीजन खोलो और गौर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। टॉप 20 के अंदर आप लोगों को आपके भाई का अकाउंट नज़र आ जाएगा जिसके अंदर से मैं प्लस कर रहा हूँ। और वीडियोज़ नहीं आ रही ग्रैंड मास्टर की, मैं जानता हूँ आप लोग काफ़ी खफा हो, काफ़ी नाराज़ हो, काफ़ी गुस्से में भी हो कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है, कैसी वीडियोज़ डाल रहा है। तो भाई बहुत जल्द आप लोगों को ग्रैंड मास्टर की वीडियोज़ देखना मिल जाएंगी। अब जैसे इसका वॉल्ट ख़त्म नहीं हो रहा वैसे मेरी बातें भी ख़त्म नहीं हो रही। भाई जल्दी ख़त्म हो जाए, मेरे पास बोलने के लिए और कुछ भी नहीं है, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा यार। और मैं कितना कुछ एक ही वीडियो में आप लोगों को बताऊँ, हाँ ये बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है वो होने वाली है रोस्टिंग के ऊपर। उसमें हम लोग डीलर्स को पेलने वाले हैं, इन्होंने मुझे पेला है अभी स्टेटस के ऊपर, हर बंदे ने स्टेटस लगा के मुझे पेला है। तो अगली वीडियो में हम इनको पेलेंगे, प्रूफ के साथ पेलेंगे कौन स्कैमर है कौन नहीं है, मतलब इन्होंने मुझे बहुत जलील किया है। खैर अभी यहाँ पर इसका वॉल्ट होता है ख़त्म, तो हम इस बात को भी यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अभी इसकी गन कलेक्शन रह गई तो उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और गन कलेक्शन भाई फेवरेट पार्ट होता है मेरा, एक अकाउंट के अंदर की गन्स कितनी हैं। तो यहाँ पर M4A1 की 29 स्किन्स हैं, यानी कि आलमोस्ट 30 हैं, और मेन मेन वाली सारी स्किन्स हैं, कुछ एक आध मिस ही होगी क्योंकि M4A1 की ज़्यादा स्किन्स बनती हैं अगर देखा जाए तो। और एक एक की यहाँ से देख लो कि 30 हैं, और इसकी मतलब हर स्किन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक एक की भी आलमोस्ट इंक्यूबेटर वाली सारी हैं। और जो मेन वाली एक MX है, यहाँ पर M14 13 स्किनें हैं, स्कार की 23 स्किनें हैं। आप लोगों को याद होगा मेरे पास जब रेड क्रिमिनल वाला अकाउंट था उसमें भी इसकी टक्कर का गन कलेक्शन था, लेकिन वॉल्ट कम था, उसका वॉल्ट था तकरीबन 860 का, और तब से तकरीबन वो साल पहले उसका 860 का वॉल्ट था। और अभी अगर बात की जाए जिस बंदे के पास होगा वो अकाउंट, उसने 1000 से प्लस कर दिया होना उसका वॉल्ट। और यहाँ पर ग्रोज़ा भी मेन वाली अच्छी वाली तगड़ी वाली है। और इसके बाद बात करूँ मैं फार्मस आएगी, फार्मस की यहीं से मुझे मैक्स वाली स्किन नज़र आ रही है। और यहाँ पर ये पुरानी स्किन है कुछ इसकी, मेन वाली वैसे देखी जाती है, फार्मस को यूज़ करता नहीं है। और एक्समेड ये काफ़ी अच्छी चीज़ नज़र आई मुझे, 17 स्किन, और AN94 की 21 स्किन हैं, ये भी बहुत मतलब अच्छी बात है क्योंकि जो गन्स बंदा यूज़ भी नहीं करता उसकी भी स्किन उसने निकाल के रखी हुई है। और यहाँ पर ऑक की भी 14 स्किन्स हैं, और नीचे पैराफिल की भी 13 स्किन्स हैं, मतलब कि बहुत यूनिक बात है क्योंकि पैराफिल वगैरह ये फिजूल गन्स के ना के ऊपर कोई भी पैसे नहीं लगाता क्योंकि आवाम ऐसा लगाती नहीं है भाई। यहाँ पर इस गन की भी स्किन देख लो, G36 की भी स्किन इसमें पड़ी हुई है, क्योंकि भाई आवाम को सिर्फ मेन मेन चीज़ें निकालनी होती हैं, यानी कि महीने के अंदर एक बुया पास निकाल लिया और एक इनक्यूबेटर अगर अच्छा आया तो निकाल लिया, नहीं तो नहीं। लेकिन उन बंदों से जाकर पूछो जो महीने के अंदर कोई टट्टी इवेंट भी आया ना, जो बंडल देखने के काबिल भी नहीं है, तो उन लोगों ने वो निकालना है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो किसी से पीछे ना रह जाएं वॉलेट के अंदर, गन्स के अंदर, कलेक्शन के अंदर। और यहाँ पर वुड पिकर की बात की जाए तो वुड पिकर की भी ऑलमोस्ट जो मेन मेन सारी स्किन हैं वो अवेलेबल हैं। वुड पिकर वैसे मुझे बहुत तगड़ी गन लगती है बियर में अगर उसको यूज़ किया जाए। मैं अगर आप लोग MP40 इस्तेमाल करते हो तो भाई बेस्ट कॉम्बिनेशन है इसका वुड पिकर और MP40 का, क्योंकि यहाँ पर अगर मिड रेंज मतलब यानी कि शॉर्ट रेंज वाला मिड रेंज में भी बंदा आ जाए तो वहाँ पर वुड पिकर काम नहीं करती, लेकिन MP40 हो या UMP हो तो बहुत तगड़ी चल जाती है। यहाँ पर हमारी AC80 की ये स्किन की बात करें तो ये इन्होंने ऐसी स्किन बनाई है जैसे कि M1887 की स्किन हो, मतलब यहाँ पर शॉर्ट गन लगती है हाथ में अगर पकड़ी भी हो ना, और बंदा गलती से ये भी समझ लेता कि मेरे हाथ में शॉर्ट गन है। और बाकी की फिजूल स्किन इसमें सारी फ्री की इधर उधर की, ये हर अकाउंट में वैसे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर इसमें ये आती है जी हमारी मशीन गन M249, M60 और कोड
और M240 पहले मैं बहुत शौक से चलाता था, जब मैं इसको मतलब सेटअप करके चलाता था तब ये बहुत तगड़ी आती थी, लेकिन अभी के टाइम पे ये बिल्कुल बेकार है, बकवास है, इसको कोई मुंह नहीं लगाता। अब यहाँ पे हमारी M60 की बात करें तो जब इसकी ये स्किन आई थी तो ये बहुत तगड़ी चल रही थी, लेकिन अभी के टाइम पे ये भी बेकार है, इसको कोई मुंह नहीं लगाता, कोई इस्तेमाल नहीं करता। और हमारी चहेती UMP जिसको हर एक दूसरा Y444 का या Y FF का फ़ैन इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि इसके रेड नंबर बहुत अमेजिंग एनिमेशन देते हैं। और हमारी MP5 इसकी तो बात ही ना करो, एक टाइम पे ये भी वही खतरनाक हुई हुई थी, लेकिन अभी ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, सही चल रही है, स्टेबल है। वैसे इतनी स्किन निकालने का फ़ायदा क्या है, इस्तेमाल तो बंदा ने एक ही करनी होती है, बंदा सिर्फ यूजेबल स्किन निकाल ले। लेकिन फिर बात आई थी शौक की, शौक से उस बंदा ने निकाली हुई तो भाई शौक का कोई मतलब प्राइस नहीं होती। अब यहाँ पर हमारी VSS इसकी सारी वही नॉर्मल स्किन जो हर अकाउंट में होती हैं, और यहाँ पर हमारी MP40 जो बिल्कुल अभी न्यू वाली है, मैक्स वाली है, और पुरानी वाली मैक्स है। और ये वाली MP40 जो पहले मैंने आप लोगों को ये तीसरे नंबर पे है, बहुत रेयर है। ये जो तीसरे नंबर वाली MP40 मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं इस MP40 की बात नहीं कर रहा, इस वाली की बात कर रहा हूँ। ये बहुत रेयर MP40 है, इसका एनिमेशन आप लोग चेक कर सकते हो, फ्लावर वाला एनिमेशन है और हार्ट वाला। तो ये पता नहीं कब आई थी, मैंने इसको मिस करा दिया था। इसके साथ M10 की भी स्किन थी, उसको भी मैंने मिस करा दिया था। और यहाँ पर हमारी P90 की भी 17 स्किन है भाई, इसमें भी कोई कमी पेशी नहीं है। भाई मैं थक गया हूँ, अब ये वीडियो पता नहीं कितनी लंबी और खींची जाने वाली है। थॉमसन को भी खुद ब खुद ही देख लो, 15 स्किन है, मैं कुछ भी नहीं बता रहा भाई। इसमें वेक्टर के भी भरी भरी स्किन है, सब कुछ वजह से इंडियन यूट्यूबर बोलते ना भाई सॉप भाई ये हो गया भाई, वो वाला रिएक्शन मेरे यार है, ओ भाई M10 की 25 स्किन है, दोनों मैक्स और सारी स्किन है भाई। अपन से ऐसा रिएक्शन नहीं दिया जाता, तो नॉर्मल बात है कि भाई बहुत तगड़ी गन कलेक्शन है, बहुत भरी भरी हरी भरी गन कलेक्शन है। सो अभी के लिए मेरे सांस सूख रहे हैं, इतना लंबा वॉइस ओवर मैं बहुत कम वीडियोज़ के ऊपर करता हूँ, मतलब यानी कि करता ही नहीं हूँ। 12 मिनट के ऊपर की वीडियो बनाने में मुझे मौत आती है, और ये वीडियो पहुँची पड़ी है 16 मिनट के ऊपर। सो इस वीडियो को ज़्यादा सारे लाइक्स भर दो, जितनी लंबी वीडियो है उतने सारे लाइक्स आने चाहिए। और M18 की भी भाई सारी की सारी स्किनें मौजूद हैं, सारी मौजूद हैं। वैसे M18 की मैंने देखी सारी, एक अद शायद मिस हो। और यहाँ पर हमारी Max 7 भी सारी हैं। अब भाई मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ भाई, पैसे खत्म। आप लोग भी थक गए हो इतनी तारीफें सुनकर, मैं बाकी थक गया हूँ इतनी तारीफें कर करके। बाकी हाईपोर्ट बुक्स की बात की जाए तो वो सारी इसमें मैक्स हैं, वीडियो बहुत लंबी खींची जा रही है, इसमें बंडल भी बहुत सारे पड़े हैं, वो भी मैंने नहीं दिखाए और कितने वो पड़े हैं, ब्लू प्रिंट्स वगैरह ये वो फलान इमकान वो सारी जो थर्ड चीज़ें होती हैं वो मैंने नहीं दिखाई, क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबी जा रही है। सो वीडियो को जितनी लंबी है ये उतना ही लाइक कर दो, बाकी ये मेरा थोड़ा सा फनी रिएक्शन उसको इग्नोर करो यार, मैं थक जाता हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ मैंने बस ऐसे शेयर कर दिया, क्योंकि अगली वीडियो बहुत अमेजिंग आने वाली है, उस पर भी काम करना है, उसके लिए भी वॉइस ओवर बचा कर रखना है। तो भाई साहब अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।